आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MCB के ट्रिपिंग कंडीशन के बारे में। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस टॉपिक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक जानकारी होना ही चाहिए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा ट्रिपिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है। हम सभी लोगों को पता होता है कि MCB हमें दो तरह का प्रोटेक्शन देता है, पहला शॉर्ट सर्किट और दूसरा ओवरलोड। तो ये किस तरह से दे रहा है इस चीज को भी समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहां पर जब आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी को जब ज्वाइन करने जाते हो ना, उस टाइम आपसे ये नहीं पूछेगा कि MCB हमें कितना तरह का प्रोटेक्शन देती है। वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि ओवरलोड और जो शॉर्ट सर्किट जो हमें प्रोटेक्शन है MCB देती है वो किस तरह से होती है। इसलिए गाइज ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये प्रोटेक्शन हमें MCB दे पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो गाइज शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि हमारा दो फेस आपस में आके मिलना, और जब हमारा दो फेस आपस में आके मिलता है तो फेस डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे MCB से जो है फ्लो होना स्टार्ट होता है। और हमारे MCB में एक कॉइल रहता है। अब वो कॉइल क्या होता है कि तुरंत हमारे हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से वो एनर्जाइज हो जाता है, और उस कॉइल के अंदर होता है एक प्लंजर। वो प्लंजर मूव करता है जब हमारा कॉइल एनर्जाइज रहता है। जैसे ही हमारा कॉइल एनर्जाइज होगा उसी टाइम तुरंत हमारा जो ये प्लंजर उस कॉइल के अंदर है वो तुरंत जो है मूव करेगा नीचे की तरफ, और उस जगह में हमारे ट्रिपिंग का एक नॉब रहता है, और उस नॉब के ऊपर जाकर वो प्लंजर अटैक करता है और साथ ही साथ MCB है वो ट्रिप हो जाता है। और गाइस एक फैक्ट बता देता हूँ, ये जो शॉर्ट सर्किट से हमारा MCB ट्रिप हो रहा है ये 0.04 से 0.10 मिलीसेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाता है। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं ओवरलोड के वजह से किस तरह से ट्रिप होता है, तो इसका भी एक फैक्ट ये है कि ये ओवरलोड के वजह से साथ ही साथ हमारा MCB कभी भी ट्रिप नहीं होगा। अब वो किस लिए नहीं होगा अब मैं आपको बताता हूँ। गाइस ओवरलोड में क्या होता है कि हमारे MCB में एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप दो अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं, और दोनों मेटल्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। अब क्या होता है, जब हमारा MCB से ओवरलोड करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो वो करंट हमारा जो है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से होकर के आगे जाता है। अब ये हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप धीरे धीरे हीट अप होना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे ये हीट होगा उस तरह से हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है एक तरफ बैंड होना स्टार्ट होगा। ये बैंड इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग मटेरियल यूज़ किया गया है, और दोनों मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है। तो जिसका टेम्परेचर कम रहेगा उसके तरफ वो जो है मूव ऑन करना स्टार्ट करेगा, और जब वो हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप मूव ऑन करना स्टार्ट करता है उस टाइम वो मूव करते करते हमारे ट्रिपिंग नॉब पे जा करके तुरंत अटैक करता है, जिसके वजह से हमारा MCB जो है ट्रिप हो जाता है। तो गाइस मैंने आपको दो कंडीशन बताए कि किस तरह से आखिर हमारा MCB जो है ट्रिप हो रहा है। तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। We'll be right back.